से आए हो बताओ, अपना नाम बताओ, कहाँ से आए हो ये बता दो आप तो, ये पढ़ने का पुलिस कंट्रोल में आ जाओ आप, है ना, वहाँ आपको किसी अधिकारी से मिलवा देंगे आपको, ठीक है ना, आ जाओ। मौन धारण कर रखा है? मौन धारण कर रखा है। हरि सिंह मेरा नाम है। कोई बात नहीं, आ जाओ। समस्या क्या बता दो, एक 10 सेकंड में बता दो, छोटी समस्या क्या बता दो। समस्या यही कि मैं अपने स्कूल को बहुत अच्छे से चला रहा था, एक अधिकारी आते हैं और वो मुझे वहाँ से हटा के चले जाते हैं। कहाँ की बात है ये सर? राज के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से मिले साहब, बुला रहे हैं। साहब से मिलाओ, आ जाओ महाराज, आ गए महाराज। महाराज समस्या देखिए इनकी, सर को मिल गया, महाराज को दे दो, बताओ महाराज, महाराज को बताओ सर। हमें बेटी को पढ़ाना बुरी बात तो नहीं है, उनके लिए जीवन समर्पित करना बुरी बात तो नहीं है, तो मैं वो कर रहा था सर, और एक अधिकारी आते हैं और मुझे हटा के चले जाते हैं सर स्कूल से, और मेरी उसमें अगर कोई 0.1% की गलती है तो सर मैं हटाई। किस विषय पे था वो आरोप? तो कुछ भी लगा सकते हैं सर, पर आरोपों में सत्य काफी होनी चाहिए सर। आपकी बात सुनी जाए, फिर आप ही सब हटा दोगे? आप ही हटाओ दोगे बिल्कुल, ये अपन क्या है सर, सुशासन आ गया, कुशासन चला गया, पिछले वालों ने आपके साथ ये हरकत की, पिछले वालों ने की। आप पढ़े लिखे आदमी हो, समझदार आदमी हो, आपको शोभा नहीं देता ये सब, पिछली सरकार की गलतियाँ थी, उस वजह से ये सब हमने भुगता है, और आप लोगों ने सरकार को भगाया, डिलीट किया है। आपकी बात अभी सीएम साहब के पास जाएगी और आप मेरे को नंबर दो, आपके पास फोन आ जाएगा, वापस आपको वही कर देगा निश्चिंत हो। शिकायत क्या थी? शिकायत होती जब तो मैं मान नहीं अचानक सर। क्या कोई शिकायत नहीं है? नहीं कोई शिकायत नहीं है, तो त्याग पत्र है मेरा हाथ से। नहीं 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 छोटा, आप अच्छा काम कर रहे हो, बेटियों को पढ़ाने का काम कर रहे हो, आपके साथ हमें जीवन समर्पित किया है सर हमने, ऐसा नहीं है सर। पिछली सरकार की कमियां गलतियां इन लोगों में मत छोड़ो, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, आपने जो काम किया वो अच्छा किया। सर अगर देश की सेवा करना अगर आपका आता है? नहीं नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आप कतई विचार मत करो। मेरा कार्ड बल बालाजी महाराज की जय। पिछली सरकार की गलतियां कमियां थी और उन गलतियां कमियों को आप निश्चिंत हो जाओ, दूर करने में 2 दिन चाहिए बस। लो ये कार्ड मैंने कल दिए थे आपको, सुनो जो नंबर है मेरा, कोई आरोप नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, आपको 0.1% भी गलती है तो भी सर मैं ये मैंने ले लिए, ये आपका काम हो जाएगा, ये आपका काम हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी है। आप हमारे स्कूल की बेटे पर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा सर। नहीं ये काम होगा, बहुत अच्छा ये काम होगा, और स्कूल में बच्चियों को कोई भी आवश्यकता होगी ये काम तुरंत करवाएंगे हम निश्चित रूप, बेटियों की पढ़ाई के लिए अग्रणी है हम। सर आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। कृपा नहीं है हमारा काम है भाई साहब, कृपा आपकी होगी जो आप अच्छा काम कर रहे हो। वो भीतवाड़ा जिले का मतलब सामरा हो गया, उस क्षेत्र का बहुत पिछड़ा हुआ एरिया सर, और बेटियों की पढ़ाई के साथ भी बहुत अति पिछड़ा है, राजस्थान का भी पिछड़ा क्षेत्र है सर, वहाँ पर हमारे विद्यालय की बहुत ज्यादा दिक्कत है। और मेरा प्रयास ये था सर, 2015 से मैं वहाँ स्कूल में हूँ, मेरा प्रयास ये था कि हमारी कोई बेटी राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो रिजल्ट है वो टॉप करनी चाहिए, टॉप होगी तो हम सरकार का अगर आकर्षित करेंगे समीक्षा पर जाएगा और वहाँ महाविद्यालय खुलना चाहिए सर बालिकाओं के लिए, वहाँ वो बालिकाओं के लिए। चप्पल का है नहीं भाई साहब की? चप्पल लाओ, वो अभी गोली की चप्पल लाओ, चप्पल लाओ पहले वो तो ये पहन जाओ आप। अरे नहीं सुनो, मेरे दूसरे आ जाएंगे हाथों हाथ, आप ऐसे नंगे पांव मत करो, इधर लगा नंगे पांव जूते लाओ ना इनके, कहाँ है चप्पल का है? अरे चप्पल ला भैया, चप्पल चोर कौन ले गया? मंदिर में तो चले। भारत माता की जय, भारत माता की। जिम्मेदारी मेरी है विनोद जी, आप उनको आश्वस्त कर दो, इनका नंबर आप भी रखो भाई साहब का, मेरा नंबर भी रखो, इनका काम करवाएंगे सर, कई होलमान नहीं आएगा मेरा नहीं था। आप सुनो पर्सनली, अजी कल की बात बता रहा हूँ मैं पर्सनली, सीएम साहब ने कहा कि सारा काम छोड़ो, शिक्षा और हॉस्पिटल पे ध्यान दो, ये कल कहा है उन्होंने, सारा काम पहले छोड़ो, शिक्षा और हॉस्पिटल पे ध्यान दो, स्वास्थ्य की सेवाएं और शिक्षा दो पे पूरा ध्यान दो, फोकस करो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।